सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है युमी की। जब उसके मॉम डैड जॉब करने एक नए शहर में आए, तब उसका एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हुआ। एंड अफसोस, उसके मॉम डैड जॉब पर थे, जिस वजह से वो अकेले ही स्कूल आई। तब टीचर ने क्लास को उसका इंट्रो दिया और फिर लंच में दो शैतान लड़की उसकी दोस्त बनी। तब उन्होंने उसे हानाको सान चुड़ैल के बारे में बताया, जो World War II में स्कूल टॉयलेट के अंदर मर गई थी। और अब उसकी आत्मा को बुलाने के लिए 3 बार टॉयलेट पर नॉक करना होगा और बोलना होगा क्या हानाको तुम अंदर हो, जिसके बाद वो तुम्हें दिख जाएगी। तो मासूम युमी ने वैसा ही किया और तब पीछे से उन लड़कियों ने युमी को धक्का देकर टॉयलेट में बंद कर दिया और वहां से भाग निकली। फिर जब पर युमी के मॉम डैड की नाइट शिफ्ट लग गई, जिस वजह से पूरी रात युमी टॉयलेट में ही बंद रही। मगर जब अगली सुबह उन लड़कियों ने टॉयलेट चेक करी तो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसके अंदर हानाको सान थी, जो उन दोनों को हमेशा के लिए अपने साथ पाताल में ले गई।